गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं हूँ पहाड़ी पैराडाइज में। रहते है गे दगड़ियों, नाश्ता तैयारी चल रहा है। अरे वाह, आज ये मुंह खंजा बुटी जानी दगड़ियों की बोल रहा है। आज लोहे की कढ़ाई में भुने इसलिए काली हो गई। तब तो एक शेप खा लेते हैं, अडानी शेप हम दगड़ियों। यो इसमें स्टिकर भी लगा था अडानी का, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। अडानी फार्म भी कभी भी कंपनी जो व्हील किसान ने खरीद सस्ते रेट में और अमन का महंगे बेच दे। कदर रुपए किलो छन बता था, 180 रुपए किलो अडानी। और अडानी कंपनी बहुत सारे शेयर ले स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था। अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी विलमार, जो रिफाइंड ऑयल ना फॉर्चून वाला शायद अडानी का ही है, फॉर्चून ब्रांड से जो आते हैं। इसमें लिखा तो ये फॉर्च्यून, देखो तेल भी अडानी का ही है घर में दोस्तों। ये फॉर्च्यून जो ब्रांड है ये अडानी का ही है। अडानी शेप का आइडिया है। जुए किसे कहते हैं? जुए? हाँ, जुए को जुए तो तुम्हें कहते हैं मेरे घर वाले। नहीं, जुआरी होता होगा। जुए जुए बोलते हैं औरत को, पत्नी को पहाड़ी में। जैसे तुम मेरे जुए भाई शैन हो तो बेड़ू पाको बारह मासा वाले कब भी हमारे पास। दगड़ियों दे और दूध लिभे घरे की लग गई हूँ बाट। और यहाँ हल्दड़ में दूध चल रहा 56 रुपए लीटर गोरुख, और दे छू 100 रुपए किलो। आधा किलो दे लिभे आई हूँ दगड़ियों। जतला आम छी दगड़ियों, दे फैल है रुचि। आप डबल खर्चा करने में डर लग रही। आज ड्रॉवर की साफ सफाई चल रही है। ये पर्स मेरे को रंजना ने गिफ्ट किया। तो दगड़ियों राजमा में लगाई है मिल 5 चिट्ठी। राजमा गल की नहीं गल की है। मत रखो ना, सारा पानी अंदर जाएगा। अकल है क्या दिमाग में? नहीं है बिल्कुल भी। सारा पानी उसके अंदर नहीं जाएगा तुम्हारा। किसके अंदर? ये इसके इसकी जो भाप बनी हुई है उसके अंदर, स्टोव के अंदर। क्या हो गया? वो नीचे उतर जाएगा, टोट होता है उसमें। टोट होता है कि वो बंद हो जाता है उसके छेद। तू हर वक्त में क्या झांस है? हर वक्त क्या झांस है? तुमको तो भेरों में ना लगने चाहिए चिमटे गरम गरम। यो लगना बात करने ला। यो खाने दी मगर ना बना तो राजमा मैं लीजिए ना बना था। तो राजमा है, मुंशहरी की राजमा हल्द्वानी में पक रही है। बताओ, मुंशहरी की राजमा ने भी पलायन कर लिया। मुंशहरी की राजमा बहुत फेमस है, इसे वो भी मिल चुका है जीआई टैग। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल साइट्स पे अगर कोई ऐसी चीज पैदा हो रही है या फिर कोई ऐसी आर्ट है जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान हो, वो कहीं और नहीं हो रही है उस टाइप की, उस क्वालिटी की, तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उस पे भी वो उस मैप में वो आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी अच्छी एक मार्केटिंग होती है, उसे एक अच्छा मास मार्केट मिलता है, ग्राहक मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे उत्तराखंड से भी बहुत से, लगभग मेरे ख्याल से 17-18 चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें मुंशहरी की व्हाइट राजमा है, फुलमा है यहाँ का, एपन आर्ट को भी मेरे ख्याल से अभी हाल में जीआई टैग मिला है। ठीक है, और पिछौड़े को भी जीआई टैग मिल चुका है। तेरी याद आती है बे, राजमा की ग्रेवी तैयार हो रही है बे। गाने के बंद कर दो तुम आके। अरे मैं ब्लॉग बना रहा था, कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आ जाएगा, मेरा पूरा वो खराब हो जाता है। गानों के बिना खाना नहीं बना पाती मैं, पता नहीं तुम्हें। ऐसा भी है क्या? हाँ। ये तो तुमने उसमें बताना चाहिए ना जब देखने आए थे तुमको। तब तो मैंने ये भी नहीं बताया मैं खाना बना सकती हूँ। तो जी शाम के बज रहे हैं 6:30 और अब हम जाने हैं दगड़ियों शॉपिंग करने लीजिए। आज हम शॉपिंग कर बेलू घोड़। क्या रंजना? घोड़। घोड़ भी घोड़। नजार देना था। ये देखो दोस्तों, मेरे स्वराशु ने बोर्ड भी पाल रखा है आजकल, तो ये हमारे स्वागत में खड़ा हुआ है यहाँ। तो जान दे मन का जान दे। ये देखो तो गाइज, ये है मेरे साले साहब की स्टडी टेबल। यहीं पे बैठ के सचिन पढ़ाई करता था। और ये पीरियोडिक टेबल है, इसे हम हिंदी मीडियम वाले आवर्त सारणी कहते हैं दोस्तों। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो जैसे ही मैं ससुराल में पहुंचता हूँ पंखा ऑन हो जाता है दोस्तों, चाहे लाइट हो ना हो, स्पेशली इन्वर्टर में मेरे लिए पंखा चलता है। ये हमारे वर्मा जी है दोस्तों, मेरे ससुराल में जितनी भी लाइटें खराब होती है ये सही करते हैं दोस्तों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे कि दूर। वाह नानी वाह, मजा आ गया। सही बात है, मतलब की भाई ठुलावे की हो जा, जैसे बोट खजूरो भई अपन खजूरो बोट डिपार्ट न मिले, पंछी को छाया नहीं, जो पंछी उड़ो वो कले छाई नहीं जाए। ठुलावे की हो फल ले बहुत दूर लागने भाई, दूर लागने बा पखाई फल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सही बात, कोटी को फल तो रंग का तो स्कूल का आई ना।
मतलब नानी ने स्पेशली एक बंदे के लिए दोहा तैयार करके रखा था कि वो आएगा तो उसको सुनाऊंगी करके, वो आया ही नहीं। कल मेरी सास आ रही है दोस्तों, तो उस खुशी में मैंने अपनी दाढ़ी मुंडा दी है, याद है, क्लीन शेव कर रखा है, क्योंकि जैसे ही मैं प्रणाम बोलता हूँ अपनी सासू माँ को तो वो आशीर्वाद देते समय मेरे ऐसे गाल मलाजती है रगड़ियों, तो मेरी सासू माँ के हाथों में दाढ़ी चुभे ना, उन्हें कोई कष्ट ना हो, इस वजह से मैंने अपनी दाढ़ी ये साफ कर ली, क्लीन शेप कर ली रगड़ियों। करो करो तुम अपना, मैं दूसरी बात करवा देना, मैं सासू माँ पवे। आज मामी के गाल और मेरे गाल सेम लग रहे हैं, देखो गोरे गोरे। यार मामा खुश हो गए, मामी का नाम दे दिया, खुशी है जाना मुझे। मामी बना रही है कद्दू की सब्जी, ये मामा जी की स्वीट फैमिली। फेस कट उस समय भी वैसा ही था दोस्तों, बाल हल्के हल्के झड़ने शुरू हो चुके थे, आप देख सकते हैं। इस फेस को जरा सा अपनी आंखों में भर लीजिए, मूछों को, आंखों को। अब मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ ये। ये मेरा साला है दोस्तों, ठीक है, और ये है मामी और ये है हिमानी। ये है शादी के समय की फोटो। मामा जी कैसे दिख रहे हैं, छीछी बनी इन साफ। तुम्हें कशी पसंद करानी है फेस में हो। नहीं करे ना, पता थोड़ा ना पता था, देखा ही नहीं उन्होंने। मामी को तो छौ लग गया होगा पहले दिन। ये देखो फिर, मतलब आजकल कैसे होगा ऐसे, ऐसे में हो जाएगा देखो रिश्ता। ये आप देखिए, मान लो अगर आजकल लड़का डीपी में अपनी ये वाली फोटो लगाए तो उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा। मैं तो नहीं करती। किस्मत वाले हो, वो टाइम में व्हाट्सअप नहीं चलती ना, तो ब्याह होना मुश्किल ही तुम्हार, जो हिसाब शक्ल ही तुम्हार। हमारे पूर्वजों ने चिन्ह इन्हें टाइप कर दिया, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने चिन्ह चलाए। तभी उसमें चेली तबले ए डबे मामी तो बहुत सुंदर है। तब भी तुम चाहो दे ये जाने कहला थपड़ा छूड़ हुए घाट में धर्रा को नलू से रहो। ये ये देख ये नहीं है यार, मेरा मम्मी की असली फोटो। क्यों मम्मी, ये कौन है, सानिया मिर्जा है। ये है नीमा मौसी, मतलब मेरी सास की सबसे छोटी, मेरे सास की तीसरे नंबर की बहन है दोस्तों। इनका नाम है नीमा और ये टनकपुर में रहती हैं। ये कौन है, विद्या मौसी है ना। हाँ। ये नानी है जो अभी कबीर का दोहा गा रही थी, ये देखो। ये है दोस्तों नानी और ये है नाना जी, मेरे बूढ़ ससुर। ये देखिए दोस्तों, ये है नाना जी, अरे वाह। और ये देखो ना, ये कौन है, ये मेरे सासू दगड़ियो कदू पता ही हो, देखो दे। ये मेरी सास है दोस्तों, मैं भी हूँ इस फोटो एक्सक्लूसिव। और ये सास का व्यू, नहीं फोटो में भी हूँ मैं। अब मैं अपनी ब्योली को दिखाता हूँ आपको, मेरी ब्योली कहाँ है, काछू मेरा ब्योल, काछू 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 सास वही जा, सास के पुछड़ में लगी हुई है। ये है दोस्तों रंजना। यहाँ भी इसको नींदी आ रही है, देख रहे हो। ये देखिए, और ये देखो, ये रंजना है। ये कौन है, कितनी क्यूट ये वो है, सोनी चित्रांशी, कितनी क्यूट थी ना ये, वो करो इस पे। ये है दोस्तों चित्रांशी, सबसे प्यारी बच्ची मेरी छोटी वाली साली। और ये है सचिन। तुम्हारा फेस कट अभी भी नहीं बदला है, क्यों बदलेगा फिर। ये देखो, तुम उसमें भी ऐसी थी गुदगुदी टाइप की अभी भी। ये और ये कड़ी पत्ता, इसको सुन के सांबर बनाने का मन हो गया। इतना बड़ा पेड़ है ना, देखते जाओगे कहाँ पे, ये पीछे जंगलात में रहने का ये फायदा तो है। तो गाइस ससुराल में तो समय का पता ही नहीं चलता है, हमको यहाँ एक घंटा बीत चुका है। हमें तो याद ही नहीं कि हमें घोल लेने जाना है दगड़ियों। तो अब हम घोल लेने के लिए जा रहे हैं MBPG, शायद वहाँ कुछ ठेले वगैरह लगते हैं मिट्टी वाले बर्तन जो बेचते हैं उनके। चलो वहीं जाते हैं, फिर वहीं से लेके आते हैं घोल। मिट्टी के फिल्टर भी मार्केट में आने लग गए। मेरी है पहली जिंदगी में माटा गुल्लक देखा की दगड़ियों, और माटा घर देखा की, लेकिन यो फिल्टर की माटा कुकर लो और कल जुगा है। अब हम पहुंच गए दोस्तों स्पाइस रूट में, यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। आज स्पाइस रूट में भी आप घर बाई का लिबेरा आ रही हूँ दगड़ियों। ये देखो खुशी आ रहा है दगड़िया, यार दिखे नहीं भेगा कब है ना। अब जब आप नाराज है भला आदि में हाथ पड़ गया या सुनी हो दगड़ियों। ये है दोस्तों स्पाइस रूट वालों का लोगो। अगर तुम्हारा घर भाई बर्थडे छू या तुम्हें साल गिरा छू
तो तुम यहाँ पार्टी करना लीजिए आ सकता है। एक छोटी मोटी पार्टी इस लॉन में हो सकती है। ये देवांश मेवाड़ी जी हैं दोस्तों, यहाँ पे रिसेप्शन में बैठे हुए हैं और हमें देख के शर्मा गए दोस्तों। बहुत ही मतलब हमारे पहाड़ी लोग ना शर्मा जाते हैं दोस्तों, जबकि रोज देखने वाले थे वीडियो में ना। अभी पूरा खाली है दोस्तों। जैसे ही होटल स्टाफ को पता चला कि पवन पहाड़ी जी आने वाले हैं, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से इन्होंने सभी को यहाँ से भगा दिया दोस्तों, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। एक्चुअली हम बहुत लेट आ रहे हैं दोस्तों इस वजह से। देवांश भाई तुम्हारी होगी शादी? कब कर रहे होगी शादी है? ब्याह कब करना है? गर्लफ्रेंड है कोई है? तो दोस्तों फाइनली हमने स्प्रिंग रोल और वेज स्टीम मोमोज पैक करवा लिए हैं। तो मैं स्पाइस रूट के ऑनर और होटल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी लेट भी स्पेशली हमारे लिए होटल खोल के, किचन खोल के ये स्नैक्स तैयार किए और हमारे पैक वैक मारने का जुगाड़ किया दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा लोगों का। तो दोस्तों रंजना घड़े को स्नान करा रही है, शुद्धाई कर रही है इसकी, ताकि कल से ये किचन में विराजमान हो। तो गाइस स्नैक्स पार्टी हो चुकी है। स्नैक्स खाने के साथ साथ हमने कुछ देखा भी। जी हाँ, आज हमने एक नई मूवी देखी, लापता लेडी, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है दोस्तों। बहुत अच्छी मूवी है, स्टोरी में काफी डीप मैसेज भी उसमें दिया गया है। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप लापता लेडीज देख सकते हैं। सब औरतों को देखनी चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मेरे को तो ऐसा हो गया ना, मतलब दिल भर आया मेरा वो देख। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।